मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ। मुझे पापा के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है और मम्मी संदेश अब चलो बेटा, मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। नमस्ते अंकल। अरे टिंकू आओ भाई, आज क्या नया लाए हो? ये देखिए अंकल, आज मैं नया फोन लाया हूँ। ये है टिंकू भैया, हमारे पड़ोसी। टिंकू भैया बहुत टेक सेवी है, मुझे कंप्यूटर सिखाते हैं और मोबाइल पर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। एक बार तो हमने बहुत सारे गेम जीते थे। मैं कल ही नया लैपटॉप लाया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे संदेश? अरे वाह भैया, नया लैपटॉप, मुझे भी देखना है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ भैया, भैया ये आप क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो मुझे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया भैया प्लीज। क्या हुआ संदेश बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? चलना संदेश, खेलने चलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। संदेश बेटा क्या हुआ बेटा, तुम आज भी स्कूल नहीं गए और ये क्या, तुमने दूध भी नहीं पिया? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा प्यारा भाई अपनी दीदी को तो बता ही सकता है ना? दीदी दीदी वो टिंकू भैया। हम उस टिंकू को छोड़ेंगे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे तो अपने बेटे की चिंता है, उसे कैसे समझाओ कि ये उसकी गलती नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है समायरा, कुछ दिन पहले शहर में उसने स्पर्श का एक कार्यक्रम किया था, शायद वो जानती होगी। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। अच्छा ये बताओ, किस किस को पप्पी के साथ खेलना पसंद है? मैं, मुझे भी। आपने देखा होगा जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो या सहलाते हो तो उसे कैसा लगता है, और जब आप उसे कस के पकड़ते हो तो वो कैसे आपसे दूर भागता है। हाँ दीदी, और एक बार तो पप्पी अपनी मम्मी को बुला लाया था। ठीक उसी तरह जब कोई हमें प्यार से या अपनेपन से छूता है जिससे हमें अच्छा लगे तो वह सुरक्षित स्पर्श कहलाता है, और जब कोई हमें इस गलत तरीके से छूता है कि हमें बुरा या अजीब लगता है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमारे शरीर में चार ऐसी टच मी नॉट जगह होती हैं, जहां कोई बिना वजह ना हमें छू सकता है और ना ही हम किसी को छू सकते हैं। मुंह, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर और पीछे कमर के नीचे, इन चार जगहों पर हमें कोई नहीं छू सकता। अगर हमें कोई इन चार जगह पर छूता है तो वो बैड टच है, और इससे हमारे दिमाग में टच की घंटी बजनी चाहिए। दिमाग की घंटी बजेगी? हाँ, जैसे अगर मैं आपको आपके मनपसंद खाने की चीज की जगह जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज दे दूं, तो आपके मुंह में टेस्ट की घंटी बजेगी। अगर मैं आपके सॉन्ग की जगह शोर यानी नॉइज सुनाऊं तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी, और गर्म कढ़ाई और नर्म टेडी बियर को छूने पर उंगली में टच की घंटी बजेगी। जब इन सब की घंटी हम में बजती हैं, तो हम में बैड टच की घंटी भी बजनी चाहिए। हर टच पास आकर किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कोई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगहों को हाथ लगाए, अपने मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर लैपटॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेजता है तो वो भी बैड टच है। अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है? तो ठीक उस पापे की तरह जोर से चिल्लाओ नो या नहीं, या व्यक्ति से दूर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, और तब तक बताना है जब तक आपके बड़े आपकी बात ना सुन ले। और ध्यान रखें कि बुरा स्पर्श लड़के यानी बॉयज के साथ भी हो सकता है,
और जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श करने वाला आदमी यानी मेल ही हो, ये किसी फीमेल यानी महिला से भी आ सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श कोई अजनबी यानी स्ट्रेंजर ही करे, ये हमारे किसी जान पहचान वाला कोई पड़ोसी या रिश्तेदार भी कर सकता है। पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो 10-9-8 पर कॉल करें और दोषी को सजा दिलाएं। याद रखें, नो गो टेल।